हेलो, मैं भूमिका इस चटपटी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है तोता बोले भागवत कथा। यह है जादुई तोता। अपनी मीठी आवाज से सुनाता ऐसी कहानी जिसने भी सुना रह गया हैरान। ग्वालियर प्रदेश के चंबल संभाग में एक ऐसा तोता है जो शहर की कॉलोनी में रहने वाले लोग वह परिवार जनों को भागवत कथा सुनाता है। इतना ही नहीं, इस तोते के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुरैना शहर की हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के घर 7 साल से रहता हुआ तोता। शहर की हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार करीब 7 साल पहले एक तोते को अपने यहाँ लेकर आए थे। परिवार में इसका नाम मिट्ठू रखा गया और धीरे धीरे यह तोता सभी का चहेता बन गया। देश भर में फेमस है यहाँ की रॉयल दिवाली, कुछ इस तरह होता है सेलिब्रेशन। इस परिवार के यहाँ प्रतिदिन भागवत कथा का पाठ भी होता था, जो कि इस तोते ने याद कर लिया था। तभी से यह मोहल्ले में रहने वाले लोगों वह परिवार के सदस्यों को अपनी मीठी आवाज से भागवत कथा भी सुनाता था। साथ ही घर में खाने के लिए जो भी कुछ बनाया जाता था वह मिट्ठू को भी घर के सदस्य की तरह खिलाया जाता था। वह तोता इस परिवार का एक अहम सदस्य भी बन चुका था। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पिछले दिनों मोहल्ले में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हुआ जिसमें तोते की आवश्यकता थी, तब इस तोते को भागवत कथा में ले जाया गया। देश के इस गांव में मेहमानी करेंगे भगवान द्वारकाधीश। हजारों की संख्या में आते हैं भक्त। जब तक कथा चलती मिट्ठू पिंजरे में बैठकर पूरी कथा सुनता था। साथ ही जब कथा के दौरान उसे कुछ खाने को दिया जाता तो वह ग्रहण नहीं करता था। शाम को घर लाकर जब घर के सदस्य उसे खाना खिलाते तब ही वह खाना खाता था। लेकिन सोमवार की सुबह तोते की मौत हो गई। इससे पूरा परिवार दुखी हो गया और उसकी अंतिम यात्रा चंबल नदी तक निकली। नदी के किनारे तोते का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।